अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला के 3 ननिहालों ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। मेरिट लिस्ट में पूरे प्रदेश भर में पहले स्थान पर गीतांजलि पब्लिक स्कूल धनेटा के अथर्व ने पूरे जिला का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही इसी स्कूल की साक्षी ने दूसरा और कोमल धीमान ने 7वां स्थान हासिल किया है। स्कूल के 3 छात्रों के मेरिट लिस्ट में आने पर स्कूल में खुशी का माहौल बन गया है। हमीरपुर जिला के 3 ननिहालों ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है। मेरिट लिस्ट में पूरे प्रदेश भर में पहले स्थान पर गीतांजलि पब्लिक स्कूल धनेटा के अथर्व ने पूरे जिला का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही इसी स्कूल की साक्षी ने दूसरा और कोमल धीमान ने 7वां स्थान हासिल किया है। स्कूल के 3 छात्रों के मेरिट लिस्ट में आने पर स्कूल में खुशी का माहौल बन गया है और स्कूल में मिठाई बांटकर स्कूल प्रबंधक बीएल चड्डा ने बच्चों के मेरिट लिस्ट में आने पर कहा कि इस तरह का समय जिंदगी में कभी कभी आता है और बच्चों को दी गई बेहतर शिक्षा के बलबूते पर ही आज बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बच्चों के माता पिता और अध्यापकों को बधाई दी। मैं पहले तो आपका थैंक्स करूँगा जिन्होंने यहाँ आकर इस मूवमेंट को साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो मोमेंट्स हैं ये ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे स्कूल का एक बच्चा टॉपर है हिमाचल में और एक थर्ड है हिमाचल में बच्ची और एक बच्ची जो है वो हिमाचल में सेवंथ है। इस तरह की मूवमेंट्स हुए को ऊपर मैं तो सिर्फ स्टाफ को स्कूल मैनेजमेंट को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सारा कुछ मैनेज करके बच्चों की पढ़ाई करवाई है और उस पढ़ाई का जो आज रिज़ल्ट है वो हम सबके सामने है। इसके लिए मैं सबको बच्चों के माता पिता को बच्चों के टीचर्स को और बाकी जो उनके वेल विशेस हैं उनको बधाई देना चाहूँगा। हाँ, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बहू जो स्कूल में प्रिंसिपल हैं वो बहुत उनको था कि हमारी पोजीशंस आएंगी। मैं बार बार ये बोलता था कि मेरिट की बात मत बोलो, बच्चे के अगर 90% से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं तो बच्चा वो मेरिटोरियस ही गिना जाता है। आज सुबह भी इस बात के ऊपर मेरी बहस हुई उसके साथ, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि हमने बाकी जो सेशंस हैं उन सेशंस के से ये सेशन जो है ये काफ़ी अलग है। तो उसकी उम्मीद बिल्कुल ठीक थी। अब मैं उसको बोल रहा था कि भाई तू सच बोल रही थी, मैं उस वक्त तुम्हें ऐसे खाऊं का वो कर रहा था, लेकिन उसने उसको पता था कि हमारे बच्चों ने कुछ करके दिखाना है। पूरे प्रदेश भर में पहले स्थान पर आने वाले अथर्व ने कहा कि अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने अध्यापकों और अभिभावकों को देता हूं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए 12 से 13 घंटे पढ़ाई करते थे और इस बार टॉप आने की उम्मीद ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने बताया कि पढ़ाई करके वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। नाम अथर्व ठाकुर है और मैं गीतांजलि स्कूल में पढ़ता हूं। मेरे पापा का नाम हरदीप ठाकुर है और मम्मा का नाम पुष्पा ठाकुर है। मैं सबसे पहले तो स्कूल को इस पोजीशन के लिए, ये जो मेरी सक्सेस है इसके लिए सबसे श्रेय जो अपने स्कूल को दूंगा और इन अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को। कितना टाइम पढ़ाई के लिए लगा सकते हैं? 12 से 13 घंटे। क्या उम्मीद थी इस बार आपकी कि आप टॉप करेंगे? टॉप की तो नहीं थी, पर और क्या चाहते हैं आप इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा? और स्पोर्ट्स। आइडल किसे मानते हैं अपने पापा को? कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने कलीग को कि सब लोग डट कर मेहनत करें और हमारे देश का नाम जो है ऐसे इस तरह मतलब देश को आगे बढ़ाने में अपने सहयोग दें। क्या बनना चाहते हैं?
मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरिट में तीसरे स्थान पर रहने वाली साक्षी का कहना है कि मेरा सपना न्यूरोलॉजिस्ट बनना है और पढ़ाई के अलावा बैडमिंटन खेलना और किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। उन्होंने बताया कि रोजाना 12 से 13 घंटे पढ़ाई करती थी। ये मेरे पापा का नाम सतीश चड्ढा है और मेरी मम्मी का नाम सुनैना चड्ढा है। कौन सी पोजीशन है आपकी? थर्ड। कितने टाइम पढ़ाई करते थे? 12 से 13 घंटे। क्या बनना चाहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक है आपके? रीडिंग ऑफ बुक्स, नॉवेल्स पढ़ना और बैडमिंटन खेलना। आइडल किसे मानते हैं? अपने दादाजी को। मेरिट लिस्ट में सातवें स्थान पर रहने वाले कोमल धीमान का कहना है कि मेरिट में आने की उम्मीद नहीं थी और आज मेरिट में आने पर बहुत खुशी हुई है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के अलावा खेलों में बहुत रुचि है। उन्होंने बताया कि अध्यापक बनना चाहती हूँ। मेरा नाम कोमल धीमान है, मेरे पापा का नाम इंद्र कुमार है और मेरी मम्मी का नाम नीलम कुमारी है। कितना टाइम पढ़ाई के लिए लगाते हैं? 10 से 12 घंटे। क्या बनना चाहते हो? टीचर। स्पेशल है इसमें टीचर में क्या होता है? नहीं। आगे कौन सी स्ट्रीम में जा रहे हो? नॉन मेडिकल। कितना टाइम पढ़ाई करते थे आप? 10 से 12 घंटे। अपने इस क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? जो आप भैया को। क्या करते हैं भैया? NIT में पढ़ते हैं। इसके अलावा पढ़ाई के अलावा क्या और में शौक? स्पोर्ट्स। कौन सी गेम खेलते? बैडमिंटन। वही स्कूल MD सतीश चड्ढा ने भी मेरिट में आने पर तीनों बच्चों को बधाई दी और कहा कि बच्चों की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने बताया कि स्कूल के तीन बच्चों की मेहनत के चलते आज स्कूल का नाम पूरे प्रदेश भर में रोशन हुआ है। उन्होंने बताया कि बच्चों की मेहनत से उम्मीद थी कि इस बार मेरिट लिस्ट में आएंगे। बहुत खुशी का मोमेंट है। वी आर फीलिंग वेरी प्राइड कि हमारे स्कूल के बच्चे अथर्व ठाकुर जिसने टॉप किया है, मेरी बेटी साक्षी जो थर्ड पोजीशन पे रही है और एक बेटी हमारी कोमल धीमान जो सेवन्थ पोजीशन पे रही है, तो हमें बहुत ही खुशी है इस चीज़ की कि उन्होंने मतलब पूरी मेहनत की और वो रिज़ल्ट ला के बता दिया। हाँ, इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी और हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ वी आर नॉट सर्टेन कि मेरिट्स आएंगी, पर हमें उम्मीद थी कि इनके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही बढ़िया होंगे। इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि ये टॉप करेंगे या, पर ये था कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मेरिट आ गई, बहुत ही खुशी की बात है। अभिभावकों ने भी बच्चों की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है और कहा कि बच्चों के मेरिट में आने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने उपलब्धि का श्रेय अध्यापकों को दिया और कहा कि स्कूल में बेहतर पढ़ाई के चलते ही आज बेहतर परिणाम आ सके हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मेरे बेटे ने पूरे HP में टॉप किया है। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद इसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसका श्रेय जो है इसके टीचर्स को, गुरुजनों को और जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ जो पढ़ाई होती है उसको देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा टीचर्स को और साथ में बच्चे को जो पढ़ाई करता था। हमारा मार्गदर्शन तो वैसे था जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन ये सारी कंट्रीब्यूशन जो है वो टीचिंग स्टाफ की है, इंस्टीट्यूशन की है और साथ में ये बच्चे की है, बच्चे की मेहनत है। मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि नेक्स्ट पढ़ाई में जो प्लस वन है, प्लस टू है, उसमें भी ये डट करके पढ़ाई करें और आगे जो है आगे जा करके अपना एक अच्छा कैरियर बना चूज करके इस समाज में, इस देश के लिए कुछ ना कुछ काम करें, अच्छा सहयोग करें। थैंक यू।